ये जंग संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ के नाम से जानी जाती है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम खड़े हैं मीरा रोड में, जो नया नगर है वहीं पर खड़े हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं। सबसे पहले सदानंद शेट्टी, जो हमारे कैमरामैन हैं, इन सारे चेहरों को अपनी अपने स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वही चेहरे हैं जिनके मन में कई सवाल हैं, समस्याओं से ये लड़ते हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। तो इनका जो मकसद है उससे हम आपको रूबरू कराएंगे, और इनकी जो फीलिंग्स है उससे आपको कहीं ना कहीं से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, या बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं, तो उसमें सबसे अहम होता है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा शिक्षा, एजुकेशन। यानी अगर हम अंधेरे की बात करते हैं तो ज्ञान का जो प्रकाश होता है उसके ज़रिए हम अपनी मंजिल का रास्ता तलाश सकते हैं। लेकिन आज हम नया नगर में जो बात कर रहे हैं, एक स्कूल के भ्रष्टाचार को लेकर है, स्कूल की मनमानी को लेकर है, और सबसे पहले हम जानते हैं गीता जी से कि वाकई ये पूरा मसला क्या है। गीता जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। ये पूरा मसला क्या है स्कूल का? हम लोग भारतीय मानवाधिकारी से बात करें, यहाँ पर हमी सहनी जी यहाँ पर मानवाधिकारी की है, और इश्तियाक जागीरदार और मैं गीता कपूर, इन्होंने हमीद जी ने यहाँ पर आवाज़ उठाई थी स्कूल के बारे में। इसके लिए ये हम यहाँ पर आज लोग जमा हो गए कि स्कूल की फ़ीस इतनी बढ़ गई है कि गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान है। बेचारे घर चलाए या फीस भरे, बच्चों की डोनेशन भरे, तो गरीबों को पढ़ना मुश्किल हो रहा है। अमीरों के बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे क्योंकि उनका डोनेशन स्कूल में जाता है, इसके लिए उनके बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, और गरीबों के बच्चों के लिए फीस बढ़ती जा रही, तो गरीब बेचारे क्या करें? तो गरीब बेचारे परेशान है, उनको बच्चों की पढ़ाई होती नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करिए? तो गवर्नमेंट का भी ये है कि प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर जो भी है, उनके ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई संस्था आवाज़ हमारी ह्यूमन राइट्स भी उठाती है तो संस्था को सपोर्ट करना चाहिए, और जो स्कूल जो फीस बढ़ा रही है, डोनेशन ले रही है, तो मैं तो सोचती हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ये मैं चाहती हूँ। शिक्षा का अधिकार जो भी मिलता है उससे आप वंचित नहीं कर सकते, भले ही आप सरकार हो या फिर आपके पास कोई भी पावर हो, लेकिन आम आदमी का जो हक है वो उसका उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर परिवार को शिक्षित कर सके, जागरूकता लाने की अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले और सब जो अहम मसला है वो है शिक्षा का। निश्चित रूप से आज हम उसी मसले पर आपको बताने की कोशिश करें। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। मोहम्मद सिद्दीक, मैं नया नगर से ही हूँ। आप क्या कहेंगे आज जो बात हो रही है? क्या कह सकते हैं, ये सब लूट मारा है, मतलब यहाँ पे किसी का कोई सुनवाई है नहीं। जो भी चाहो, जितना चाहो उतना बढ़ाओ, हर साल बढ़ाओ। हर साल तो डोनेशन के नाम पे इतनी फीस बढ़ा देते हैं, स्कूल बंद होती है तो भी लेते हैं, स्कूल चालू होती है तो भी लेते हैं, अब बेहिसाब लेते हैं, जिससे गरीब आदमी तो अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता। अगर कैसे भी पढ़ा रहा है तो कोई सुनवाई नहीं है उसकी, कोई सुनता ही नहीं कि मतलब क्या है, बस यही कहना है। और क्या, डोनेशन में एक शब्द छुपा हुआ है जिसको कभी आपने विश्लेषित करने की कोशिश की होगी या नहीं की होगी, या मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि डू का मतलब क्या होता है और डाई का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर हम डोनेशन की बात करें तो उसमें डू नेशन छुपा हुआ है, और डू और डाई का जो मतलब है, इस देश में आज़ादी के समय हमने महसूस किया था। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम हमीद इसाने है, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल डायरेक्टर हूँ। यहाँ पे जो हमने एक शुरुआत की है, बेसिक शुरुआत की है, वो इसके लिए की है कि यहाँ पे जो मूल सुविधाएं जो लोगों को मिलती नहीं है, आज हॉस्पिटल हो गया या स्कूल हो गई, ये सारी जो है उद्योग बन गए। पहले ये शिक्षा बहुत ज़रूरी, हम एक तरफ कहते हैं कि लोगों को शिक्षा दो, लोगों को ज्ञान दो, इससे हमारा क्राइम रोक सकते, बहुत सारी चीज़ें रोक सकते, लेकिन ये चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पर, जिन्होंने अभी भी अपने बच्चों का एडमिशन नहीं किया है क्योंकि मामूली सी फीस भी नहीं भर पाए। इसके लिए मेरा निवेदन है आपके चैनल के थ्रू, इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार को भी, कि यहाँ पे ऐसी सुविधाएं दी जाए कि हर आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके, तब जाके देश शिक्षित होगा। जो कि ऐसे कौन से स्कूल हैं जिससे आप मतलब विशेष रूप से परेशान हैं, जो डोनेशन लेकर ही काम करते हैं? शायद ही ऐसी कोई स्कूल होगी जहाँ पे ये डोनेशन नहीं होगा,
डोनेशन के नाम पे कुछ और तरीके से पैसा तो लिया जाता है। बहुत ही इतनी महंगी हो गई है स्कूल आज। एक आम आदमी बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। कई बच्चे जो सातवीं पढ़ते छोड़ देते हैं, काम पे लग जाते हैं, तो बेसिक जो सुविधाएँ हैं यहाँ पर है नहीं उपलब्ध। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मीरा भाईंदर ऐसी नगर पालिका है जो सबसे रिचेस्ट नगर पालिका में से आती है। इतना रेवेन्यू आता है यहाँ पे, पैसे की कमी नहीं, हर चीज़ हर सुविधा है जो जानबूझ के लोगों तक पहुँचाई नहीं जा रही है। ऐसी शिक्षण के लिए बहुत सारी सुविधा है जो हमारे यहाँ पे मंत्रालय से भी मिलती है, सरकार राज्य सरकार भी देती है, जो यहाँ तक पहुँच नहीं रही है। हम उसका ही प्रयास कर रहे हैं कि वो सुविधाएँ लोगों तक पहुँचाए और लोगों को भी आगे आके अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। यहाँ पर खुद लेने भी नहीं आते लोग, तो अपने हक के लिए कोई भी लड़ सकता है, क्योंकि आज़ादी की अभिव्यक्ति हमें अगर किसी ने दे है तो उसका नाम है संविधान। निश्चित रूप से जब हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें वो सपोर्ट नहीं मिलता समाज से या फिर सरकार से। और जाहिर सी बात है कि सरकार हमारी रक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, और हमारी जो भी समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं से समझने के लिए है, संभालने के लिए है। इश्ताक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो मसला है डोनेशन को लेकर कितनी परेशानी है, और आपके पास ह्यूमन राइट्स में आप लोग हैं, कितनी शिकायतें आती हैं? देखो, शिकायत तो काफ़ी है, पूरे मुंबई के अंदर शिकायत है, मुंबई के पूरे महाराष्ट्र में बोलो। मेन मसला तो क्या, गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन के अंदर ऐसा रख दिया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल, जिला परिषद, नगर पालिका के अंदर जो स्कूल होती है, सरकार चाहती है कि बच्चा उसमें जाकर सीखे, मगर वहाँ एजुकेशन पढ़ाई बराबर होती नहीं है। तो गरीब लोगों का भी मकसद होता है कि जब एक तो एक गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोग होते, एक मिडिल क्लास के लोग होते, एक तो पैसे वाले लोग होते। जो गरीब रेखा के नीचे लोग रहते वो भी चाहते कि हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, इंजीनियर डॉक्टर बने और एजुकेशन अच्छा मिले। लेकिन यहाँ पे कॉरपोरेशन स्कूल, महानगर पालिका में, नगर परिषद में पढ़ाई बराबर होती नहीं, तो मजबूरन बच्चों को अच्छी स्कूल में डालना पड़ता है। तो अब इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल के अंदर का मसला ये है कि वहाँ डोनेशन के बिना ये लोग काम नहीं करते, और डोनेशन लेने के लिए कई नए नए बहाने ये लोग बनाते हैं। तो एक आम नागरिक, आम लोग वहाँ परेशान होते हैं, इस बहाने से उनसे पैसा निकाला जाता है डोनेशन के नाम पे, उनको रसीद भी नहीं दी जाती है। मुझे ये बताना, उनको बहाना होता है टीचर्स को पगार देना पड़ता है, यहाँ पे लाइट बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है, और बहुत से चार्जेस है, तो उस तरह से हम लोगों को नुकसान ही बता रहे। लेकिन मुझे इतना पता है कि कहीं भी कोई भारत के अंदर स्कूल लॉस में नहीं जा रही, नुकसान में नहीं जा रही है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम है, और इनके ऊपर बहुत से ऊपर जितने अधिकारी बैठे हुए लोग हैं उनको पता है कि इस बच्चे को एडमिशन के लिए ज़रूरत रहेगा तो पैसा देगा। अब स्कूल में ये पूछा जाता है कि आपका घर रेंट पे है कि ओन आपका घर है, आपकी इनकम कितनी है, और इनकम का देख कर बच्चे को एडमिशन में लिया जाता है। इसका मकसद ये हो गया कि गरीब के बच्चों को स्कूल में लेना नहीं है, और जिसकी इनकम कम होती है उस बच्चे का इंटरव्यू लेकर उसको कहते हैं कि आपके लिए जगह खाली नहीं है। इस तरह से गरीब रेखा के नीचे रहने वाले लोग परेशान है। मीरा और भयंदर एक ऐसा इलाका है, यहाँ पर काफ़ी इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल है, और वहाँ पर बच्चों को अभी बहुत से लोगों ने शिकायत किया कि भाई बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा माहौल है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहने की वजह से उनको ज़्यादा लिया नहीं जाता है। वहाँ पर कई सवाल किए जाते हैं, बहाना करके सिर्फ पैसा निकालने की बात की जाती है। तो ये स्कूल मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि आप जो फीस बढ़ाते हो तो वो लेवल में फीस बढ़ा उसका हिसाब भी लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल होने के वजह से इनसे ज़्यादा कोई हिसाब पूछने वाला नहीं है, इनका कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। तो गरीब के बच्चे जहाँ कहाँ जाएंगे, हाथ गाड़ी चलाने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, उनके भी मन में कि हमारा बच्चा स्कूल, और ज़्यादातर गरीब के बच्चों का ही प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ पैसे वाले लोग होते हैं डोनेशन देते हैं, देने के बाद उनको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन ये गरीब के बच्चे कहाँ जाए। तो मैनेजमेंट के अंदर ऐसा सिस्टम बनाया जाए, गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बनाए कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इनके ऊपर नजर रखा जाना चाहिए कि कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है, किस तरह से होना चाहिए। आप स्कूल में जाते हैं वही टीचर कहते हैं कि बच्चे को एडमिशन नहीं होगा, और दूसरी बार देखो उसका एडमिशन हो जाता है, तो कारण क्या? पहले तो आपने उनको रिजेक्ट किया, तो उसके बाद पता चलता है कि ये लोग रिश्वतखोर, इन्हें करप्शन चल रहा है, वहाँ पर पैसा लेकर उनको बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। तो एक आदमी महीने का 15 से 20 हज़ार कमाने वाला, वो 25 हज़ार 50 हज़ार डोनेशन कहाँ से देगा? लोग मायूस है, परेशान है, कोई पूछने वाला नहीं, सरकार चल रही है राम भरोसे पे, और सबको, क्योंकि यहाँ के कॉरपोरेटर MLA सिर्फ एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको गरीबों से कुछ लेना देना नहीं। चुनाव आता है, वोट लेते हैं और वो चले जाते, और ये गरीब लोगों के पीछे धक्के खा खा के परेशान हो जाते। आज हर जगह पे शिकायत है कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो रहा नहीं, तो आखिर क्या करें इसके लिए? कई बार हम लोग आंदोलन करते हैं, सब कुछ है, मेमोरेंडम देते हैं, लेटर देते हैं, उसका कोई रिप्लाई आता नहीं है, यानी किसी को कोई पढ़ी नहीं है। मजबूरन बच्चों को फिर उन लोगों को फिर बाद में दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है, और वहीं पे पढ़ाना पड़ता है, उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते और मायूस हो रहे, कोई उनका काम नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ काम हो रहा है पैसों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भी एक सही बोलेंगे तो जैसे हम लोग कहते थे कि स्मगलर थे, दो नंबर के धंधे चलते थे, आज स्कूल में दो नंबर का धंधा चल रहा है। सिर्फ पैसे, यानी रिश्वत, करप्शन, पैसा देकर आप बच्चों को एडमिशन कर सकते हैं, बिना पैसे दिए वो एडमिशन लेते नहीं है। कोई ऐसा बता दे कोई गरीब के बच्चों को बिना पैसे लिए कोई स्कूल में दाखिला है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और मीरा भाईंदर के इस इलाके में यही चल रहा है। लोग परेशान है, कई आवाज़ें उठ रही है लेकिन की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, स्कूल मैनेजमेंट के कान में जून तक नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी बात जारी रखेंगे। ये आप जितने लोग हैं सब लोग हाथ उठा के बताइएगा कि डोनेशन बंद होना चाहिए।
तो वाकई डोनेशन को लेकर जो परेशानी होती है, आम आदमी का जो बजट होता है उसकी जो सोच होती है, अगर हम बच्चों की बात करें तो हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जो है सुशिक्षित हो, पढ़ लिख कर इस देश के लिए कुछ करे, अपने करियर में चार चांद लगाए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है डोनेशन की, और डोनेशन की वजह से कई बार माँ बाप के सपने जो हैं वो बिल्कुल अधूरे रह जाते हैं और बच्चा चाह के भी उस स्कूल में उस कॉलेज में नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से इश्तियाक जागीरदार साहब ने कहा कि आज हम पारदर्शिता की बात भले ही करते हैं सरकार में बैठकर, लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आता कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, गीता जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आम आदमी का सपना टूटता है तो कितनी परेशानियाँ होती है उसके परिवार पर। मेरे सामने का किस्सा है, जो मेरे ही बाजू के बिल्डिंग में एक लड़की बेचारी 10th तक पढ़ी और 11वीं का एडमिशन के लिए गई, तो वहाँ पर उसको 50,000 रुपया डोनेशन मांगा और उसके पास वो 50,000 रुपया नहीं था। अभी वो लड़की एक कंपनी में काम करती है और वो इसकी माँ इतनी दुखी है कि बोलती है आज मेरे पास पैसा रहता तो मैं अपना बच्ची को पढ़ा लेती थी। तो ये दुख हमको देखा नहीं जाता आजकल, क्यों अमीरों को ही बच्चे पढ़े और गरीबों के बच्चे ना पढ़े, ये तो ना इंसाफी हो रही है यहाँ पर सब। और ये हो रहा है सरकार के कारण, और पैसे जो कमा रहे डोनेशन अपने खिसे में डाल रहे, अपने घर भरे, अपने बच्चों को आगे कर रहे, गरीबों के ऊपर ना इंसाफी हो रही। इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी कोई रिक्वेस्ट सुनते नहीं है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे ह्यूमन राइट्स के तरफ से या आपके केबल के चैनल के माध्यम के थ्रू से ये मैसेज स्कूलों तक पहुँचा जाए और उनका जो ये काम चालू है गरीबों के ऊपर अन्याय करना वो बंद करें और हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको एडमिशन दे, डोनेशन ले, गुडविल जो दे गरीब लोग उसमें डोनेशन लेके बच्चों को एडमिशन दिलाए। बड़ी अहम बात कही है गीता कपूर जी ने, गुडविल जो भी दे उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर दी जाए, यानी हमारा जो बजट है उसके हिसाब से हम आपको हेल्प करेंगे। हम कहीं से भी विरोध करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद किसी स्कूल कॉलेज या शिक्षा संस्थानों के खिलाफ नहीं है, हम बस आम आदमी की भावनाओं को आपके सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं, BMC को टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और जो इनका हक होता है उससे वो लगातार वंचित होते हैं। यही कारण है कि हम यहाँ के नया नगर के लोगों से जो इनके विचार हैं, इनकी जो नाराजगी है उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैडम आपका नाम जानना चाहेंगे। उषा। उषा जी आप क्या कहेंगी, उषा का मतलब होता है सुबह। आपको नहीं लगता कि स्कूल शिक्षा संस्थानों के बारे में जो सुबह की जो बात होती है उसमें कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है? बहुत ज़्यादा है। मेरी बेटी है 7 साल की, अभी लास्ट ईयर उसका फीस था 650 रुपया, इस साल से उन्होंने 850 रुपये कर दिए। मेरी सैलरी है 12,000 रुपये, जिसमें मुझे अपना घर भी चलाना पड़ता है, मेरी बेटी को भी पढ़ाना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको प्राइवेट स्कूलों से निकल के म्यूनसिपालिटी में डाल दूँ क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो वही हम लोगों ने भी स्कूल में जाके, हम लोग सब जो पेरेंट्स से गए थे तो उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया। मैंने बोला अगर महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे, जिनकी सैलरी साल में 500 रुपया बढ़ती है, उसके लिए तो 500 रुपया बढ़ना भी आगे खर्चा है। अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं आपके? अच्छे दिन तो अभी तक आए ही नहीं है, पता नहीं वो कब आएंगे, और औरतों के खास करके कब आएंगे। उनके लिए जो भी सुविधा है वो कमी है। अभी एक लड़की है उसे पढ़ाना आज ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि लड़के तो खा पी के कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन लड़की को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अभी मेरी बेटी है उसका ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ऐसे देते हैं कि पेरेंट्सों को मेहनत करनी पड़ती है, स्कूलों में कुछ ढंग से पढ़ाया नहीं जाता। अभी उसका एडमिशन फीस 5,900 रुपया है, मैंने भरा नहीं, मैंने बोला मैं अफोर्ड नहीं कर सकती सर, मैं नहीं भरूंगी, मेरे आप बेटी का सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं उसे किसी और स्कूल में डाल दूंगी। तो वो बोलते चलेगा, हमारे पास तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स है ही। तो मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा कुछ इतनी सुविधाएं दे कि कम से कम बच्चे तो पढ़ सके। बच्चा होता है 10 किलो का, उसके ऊपर बोझा होता है 15 किलो का, उनकी किताब कॉपियों का वेट इतना होता है कि बेचारे झुक जा रहे हैं, और उसके लिए भी पेरेंट्स लोगों को ही जाना पड़ता है उनको छोड़ने के लिए और लेने के लिए। तो बस ये है कि थोड़ी सी सुविधाएं गवर्नमेंट ने हमको देनी चाहिए। और आप देखते होंगे कि जो भी गवर्नमेंट की स्कूलें होती है वहाँ पे बच्चों को बस बिठा दिया जाता है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि चलो प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो बच्चा ABCD तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीख जाएगा, नहीं तो हमारे टाइम पर तो 5th स्टैंडर्ड से ABCD था। तो आज मेरी बेटी मुझसे इंग्लिश में बात करती है तो मुझे ऐसा लगता है ओ गॉड मैं क्या बात करूँ इससे। ओ गॉड इंग्लिश वर्ड है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जो समस्याएं हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में महिलाओं की जो सुरक्षा की बात होती है उस पर कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं, लेकिन मुंबई में अगर हम बात करें, मुंबई के महाराष्ट्र की बात करें, पूरे महाराष्ट्र में आपने बहुत जगह लिखा हुआ एक शब्द पढ़ा हुआ कि मुलगी शिकली प्रगति जाली, अगर एक लड़की पढ़ लेती है घर का तो कई पीढ़ियाँ जो है कहीं ना कहीं से सुशिक्षित हो सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज महिलाओं को लेकर और
खासकर जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर ये सरकार जो है उस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, समाज आगे तभी बढ़ेगा जब सारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से शिक्षा एक बहुत बड़ा अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, ताकि आपकी ज़िंदगी की जो निराशा है, आपकी ज़िंदगी की जो अज्ञानता है, उससे आप निजात पा सकें। आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम जी। आयशा, आप बताइए, आप महिला होने के नाते बच्चियों की शिक्षा के बारे में क्या सोचती है? क्या डोनेशन से वाकई हर कोई परेशान है? बिल्कुल, मीरा भाईंदर में स्पेशली हर कोई परेशान है। मैं मीरा भाईंदर के बारे में बात करूंगी। अब हमारे यहाँ पे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे डोनेशन तो लेते ही हैं, मगर उसके बावजूद उनके बुक्स, उनका यूनिफॉर्म, उनकी हर चीज़ अगर थोड़ा सा फट जाता है वापस से लो, और वो उन्हीं से लो, बुक्स भी उन्हीं से लो। ऐसा क्यों? जब जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करेंगे? हर चीज़ के लिए शूज़, रेनी शूज़ या फिर जो भी है, एक एक चीज़ स्कूल से लो। जो एक नॉर्मल पेरेंट्स हर महीने में 3 बार उनको 20,000-25,000 कहाँ से वो फीस अफोर्ड कर पाएंगे? अगर आप इतने बड़े बड़े स्कूल्स मीरा भाईंदर में चलाते हैं तो कम से कम इक्वालिटी का तो ख्याल रखो। आप जानते हो कि ज़्यादातर हम यहाँ पे ज़्यादातर सब एवरेज मिडिल क्लास लोग हैं। अमीर लोग तो अफोर्ड कर ही पाते हैं, उनके बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं, बट वॉट अबाउट द एवरेज मिडिल क्लास पीपल? मैं सिर्फ एवरेज मिडिल क्लास पीपल के लिए बात करना चाहूँगी कि उनको उनका हक मिले। और मैं एवरेज मिडिल क्लास पीपल से ये बोलना चाहूँगी कि सामने आओ, बात करो। जब तक बात नहीं करोगे लोगों को पता कैसे चलेगा? आप ये चाहते हो हर बार कि सामने से आपके पास कोई आए, तो कोई नहीं आएगा, आपको आना है। जब तक आप लोग नहीं खड़े होंगे तब तक कोई आपके लिए नहीं आएगा। आशा जी के कहने का मतलब साफ है कि आप अगर झरोखा खोलेंगे, खिड़की खोलेंगे, तभी रोशनी आएगी, हवा आएगी, और उससे आप हवा भी ले पाएंगे और कुछ देख भी पाएंगे। ताकि रोशनी का मतलब ही होता है प्रकाश, और शिक्षा के जरिए ही हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी जानकारी के भंडार में एक इजाफा ला सकते हैं, ज्ञान को, ज्ञान का जो प्रकाश होता है उसके बारे में। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं ऑल इंडिया इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का महाराष्ट्र ऑब्जर्वर हूँ। ये जो स्कूल कॉलेज हैं, जो डोनेशन का मसला है, आपका कैसा रिएक्शन रहा है, कैसा ऑब्जर्वेशन रहा है, क्या आपने देखा है? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन हमारा राइट है, बट मैं आज की तारीख में बोलूँगा, आज के सिचुएशन के हिसाब से एजुकेशन एक चैलेंज हो गया है। आज अगर एजुकेशन लेना है तो सबसे बड़ा टेंशन लेना है मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा, उसके बाद फीस कैसे भर पाएंगे, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट कैसा करेंगे। सबसे पहला तो पॉइंट इज एजुकेशन के लिए हम लोग एडमिशन के लिए डोनेशन, वाई इज दिस पॉइंट कमिंग? अगर हम लोग स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने 25% रिजर्वेशन रखा है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पढ़ा लिखा आदमी जिनको पूरा नॉलेज है वो तो अपना एडमिशन कैसे भी करा लेगा, जो पैसे वाले वो कैसे भी करा लेगा, लोअर सेक्शन जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको हैसियत नहीं है, वो कैसा करेंगे? तो उनके लिए गवर्नमेंट ने 25% रिजर्व सीट्स रखे एज पर द महाराष्ट्र एजुकेशन एक्ट, बट इट इज़ नॉट कमिंग इन टू पिक्चर। इसको हम लोग लागू नहीं कर रहे, और एडमिशन भी रिजर्व है इकोनॉमिकली के लिए, ये भी एडमिशन मिल रहा नहीं है। कोई भी है उनके लिए सेम प्रोसीजर है, सेम फॉर्म है। जैसा हमें इस तक जाकर दिन बनाया कि उनको एक फॉर्म दिया जाता है एडमिशन के लिए, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में लिखा जाता है कि रिक्शा चलाते हैं, ये है वो है, तो उनको एडमिशन नहीं मिला जाता, बिकॉज दे कंसिडर कि वीकर सेक्शन है हमारा, 7-8 हज़ार रुपये फीस कैसा भरेगा, तो एडमिशन नहीं मिलता है। सेम उनके बाजू वाले रहने वाले को कम परसेंटेज में भी मिल जाता है एडमिशन। क्यों? बिकॉज दे कैन अफोर्ड द फीस। इट इज़ नॉट अबाउट फीस, इट इज़ अबाउट राइट टू एजुकेशन। गवर्नमेंट ने ये चीज़ लागू की है कि एजुकेशन हमको कंपलसरी करना है। देश का अगर विकास करना है, 3 चीज़ हो सकता है, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड दी ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ अ स्टूडेंट, बट विच इज नॉट कमिंग इन टू पिक्चर। तो मेरा यही बोलना है सरकार से, जो आपके पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हो, आप प्लीज़ इसको रेगुलेट करके और इंस्पेक्ट करो कि ये चीज़ हो रही है या नहीं। मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ जहाँ भी हम लोग जाके देख रहे हैं, हम लोग के पास कितने जन लगता है, हमारे यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है, स्कूल में नहीं हो रहा है, हम लोग काम करते, वो नेता के पास जाते, ये नेता के पास जाते, फीस का प्रॉब्लम है, ये संस्था के पास जाते। क्यों? आप लोग को 6 से लेके 14 ईयर्स तक का एजुकेशन फ्री है, ये गवर्नमेंट ने लागू किया है। किसको मिल रहा है मुझे बताओ? इतने सारे लोग हैं, किसको मिल रहा है? जिनका बच्चा 6 से 14 साल का, किसको फ्री एडमिशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये चीज़ चैलेंज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के फेवर में फायदा डिसीजन दिया था, स्टिल इट इज़ नॉट इन टू पिक्चर। तो मेरा यही बोलना है कि जो भी मुद्दा है, जो यहाँ जितने लोगों ने उठाया, इसको सीरियस लेवल पर लिया जाए। बात अच्छे दिन आने वाले, बात बुरे दिन आने वाले, बात इसकी नहीं है, बात ये है कि लोगों को तकलीफ हो रही है उसका प्रॉब्लम है। आज सबको तकलीफ हो रही है, जो नहीं बोल पा रहे उनके बिहाफ पे हम लोग बोल रहे हैं। मैं जितना बोलना चाहता हूँ मैं उतना नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं लिमिटेड बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, वट एवर इम्पोजिशन दैट यू पुटिंग ऑन द कंट्री एंड ऑन द पीपल, प्लीज सी टू इट दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एट द राइट वे। प्लीज़ इंस्पेक्ट करो आप ये चीज़ें। और आपके पास कोई मुद्दा लेके आता है, सर हमको एडमिशन नहीं मिला, मेरा इतना परसेंट है एलिजिबिलिटी, फिर भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ डोनेशन आ जाता है, जो उनको भी मिलता है और जो ऑफिसर्स को भी मिलता है और जो प्रिंसिपल ट्रस्टी को भी मिलता है। एक्चुअली एजुकेशन एक बिजनेस हो गया है।
अरे मुझे कुछ करना है, कितना पैसा है, इतना पैसा है, एक काम करना स्कूल खोल लेते, अरे मस्त धंधा है, पंजे से इतना भी डोनेशन ले ना, हो जाएगा अपना काम तो हो जाएगा, अपना उधर बंगला तो बन ही जाएगा, ये हो गया, मैंने सुना है अपने कानों से लाइक आई डोंट वांट टू रिवील द नेम बट इट इज एक्चुअली हैपनिंग इन टू पिक्चर। एक इंसान के ऊपर अगर एजुकेशन करना है तो घर वाले प्रिपेयर कर दे, आज मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, छुट्टी हो गई उसकी ऑफिस में, उसका वो नुकसान हुआ, क्यों मेरे को बच्चे के लिए डोनेशन बनाना है तो मेरे दोस्त से पैसा लेने जाना है मेरे को, तो मैं वो लेके फिर स्कूल में जाऊंगा, फिर एडमिशन करूंगा, विच इज़ रियली नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने 90% या घरों में देखा कि यही हो रहा है, और एडेड स्कूल नॉन एडेड स्कूल में सब सेम प्रोसीजर चल रहा है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग ने जो रेगुलेशन डाले वो अच्छे डाले, रिजर्वेशन रखे वो अच्छे रखे, बट उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा है। सो प्लीज़ इसके ऊपर अमल हो, ऐसा कुछ कीजिए। बिल्कुल मोहम्मद, पिछले दिनों जो हमने चुनाव की जो गतिविधियाँ देखी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, बड़े बड़े वादे किए उन्होंने, देश की जनता को लगा कि जाति बहुत बड़ी बात होती है, मज़हब बहुत बड़ा बड़ा तथ्य होता है जीवन में, लेकिन उससे भी उठकर आम आदमी ने मोदी सरकार पर भरोसा किया और बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं से अब सवाल ये है कि जो आम आदमी ने जो सरकार पर भरोसा किया है, सरकार कब उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगी? नया नगर से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में डोनेशन को लेकर जो लोग परेशान होते हैं, खासकर आम आदमी जब परेशान होता है तो निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है। आपको ऐसा लगता है भाई साहब कि जब आदमी परेशान होता है तो बहुत कुछ धीमा हो जाता है? अपना नाम बताइए। ये आदमी जो है परेशान इसी वजह से होता है कि जो डोनेशन का, स्कूल का, इसका आदमी इतना परेशान हो जाता है कि उसका दिमाग ही जो है काम नहीं कर पाता है, उसका दिमाग है वो काम ही नहीं कर पाता है, क्या करूँ क्या करूँ, तो बच्चे को पढ़ाने बजाय उसको निकाल ले देता है और फिर सरकारी में भेजता है, सरकारी वाले भी ध्यान नहीं देते और महंगाई भी इतनी बढ़ती जा रही है, बजाय कम के बढ़ती जा रही, आगे से आगे बढ़ती जा रही। मेरा कहना है कि जो जो सरकार ने वादा किया था वो वादे को पूरा करे, ये वादा। ये सरकार से हम हक के साथ मांग कर सकते हैं कि हमें जो आपने सपने दिखाए थे, हमें जो ख्वाब दिखाए थे उसको पूरा करने का वक्त आ गया है, बातें बड़ी बड़ी होती हैं लेकिन निष्कर्ष कब निकलेगा, यही सवाल है। आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं खुद ही गाड़ी में गाड़ी चलाता हूँ। मैं आज यहाँ पर आया हूँ, देख रहा हूँ पब्लिक यहाँ पर सब नाराज है, इसकी वजह यही है, खाली बस गरीबी गरीबी, वादे बड़े बड़े वादे हुए, सब वादा खिलाफी हो गई, कोई अपने बात पे अमल नहीं उतर रहा है। यहाँ स्कूल के हिसाब से, यहाँ पर बिजनेस के हिसाब से हर चीज़ को लुटा रहा, हर चीज़ को लुटा रहा। गरीब इंसान रिक्शा चलाने वाला इतना मजबूर है, म्युनसिपालिटी में डालता हूँ वहाँ पढ़ाई होती नहीं, प्राइवेट में चाहता हूँ वहाँ पैसा भर नहीं सकता, तो क्या करे इंसान, ले देखे यही होता है कि मैं जाऊँ सरकार के पास, सरकार से हेल्प चाहूँ, क्यों सरकार तो अपने अपने मौजों में मस्त है, किसी को कहीं से हेल्प नहीं आ रही कुछ भी, तो गरीब इंसान जाए तो जाए कहाँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, बस आप घर से बाहर आओ, आप हेल्प कीजिए, गरीब लोग हेल्प कीजिए, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। यानी कुल मिला के इनका कहना है कि सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है, हमारी जो परेशानी है, हमारी जो कुंठा है उसको लेकर सरकार या जो भी एनजीओ चलाते हैं उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और निश्चित रूप से अगर इनके पास शिकायत आती है तो ये समझा जा सकता है कि सरकार पर से उनका भरोसा कुछ ना कुछ कम हो गया है। आपको लगता है कि सरकार से जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती तब हम आपके पास आते हैं, ह्यूमन राइट्स के पास? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई आता है, हर मसले लेकर आ रहे हैं, इसके लिए कि वो सुविधा नहीं है, ना तो पुलिस स्टेशन में सुविधा है, ना कोर्ट में, ना कचहरी में, लोगों की सुनवाई नहीं होती है। तो लोगों से यही निवेदन होता है एकजुट होकर आने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमने निवेदन किया है, हमने अभी रिसेंटली कार्यक्रम भी किया था यहाँ पर लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए। अब यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी आवाज़ उठाइए, मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि अपनी लड़ाई खुद लड़िए, कोई हमारे लिए लड़ने आने वाला नहीं। एक मिनट आपसे जो जानना चाहेंगे, जो यहाँ गिलबर्ट मेंडोसा साहब विधायक हैं, जो है मुजफ्फर हुसैन साहब विधायक हैं, एमएलसी हैं, और जो यहाँ की मेयर हैं कैटलिन परेरा, उनकी क्या भूमिका आपने महसूस की आज तक, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं और आप भी कहीं ना कहीं से उसी तरह का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी हमारे नेता हैं मिली जुली प्रतिक्रिया है, कुछ काम किए भी है कुछ नहीं भी किए, जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए थी उस पर इतना जोर नहीं दिया है, उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम किए, सड़कें बनाई, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी चेंज किया है। अभी यहाँ पे हमारे जो फिरोज भाई है उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि हमारे यहाँ जो जो हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं उसमें एजुकेशन टैक्स जाता है, लेकिन वो एजुकेशन टैक्स जाता कहाँ पर है? हमने लास्ट टाइम कुछ स्कूल में दौरा किया था, वहाँ पर देखे कि वहाँ पर लाइट के पंखे बनते, तो हमने पूछा क्यों पंखे बनते, बोले धूल उड़ती है ना, तो वहाँ पर साफ़ सफाई का ख्याल है, बच्चों का पीने का पानी अगर आप देखेंगे तो वो होटल का जो वॉश बेसिन होता है जिसमें बर्तन धोते उससे भी बदतर हालत में था। तो ये सुविधा ही नहीं, बच्चों के हेल्थ से खिलवाड़ है, उनके एजुकेशन से खिलवाड़ है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आज हम लोग जो देखते हैं तो स्कूलों में आज सिर्फ उद्योग और सिर्फ उद्योग है, आप मीरा रोड में अगर देखेंगे हर चार बिल्डिंग छोड़ के एक स्कूल है, जहाँ पर हर एक ने अपने अपने स्कूल खोल दिया, जो क्षेत्र से नहीं है उन्होंने भी स्कूल खोल दिया, जो कंस्ट्रक्शन में थे जो बिल्डर थे उन्होंने स्कूल खोल दिया,
जो अलग व्यापारी थे उन्होंने स्कूल खोल दिया, डायमंड मर्चेंट उसने स्कूल खोल दिया। दूसरी बात यह है स्कूल में जो प्रिंसिपल और टीचर्स होते हैं उनसे भी कुछ और काम लिए जा रहे हैं, वो भी हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि उनसे बॉटल की डिज़ाइन तैयार की जा रही है, बैग ऐसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म में ये डिज़ाइन होनी चाहिए। मैं एक ऐसे प्रिंसिपल को जानता हूँ जिन्होंने अभी हाल ही में रिज़ाइन किया है एक बड़ी स्कूल से, वो इसी मुद्दे पे उन्होंने रिज़ाइन किया कि मैं यहाँ पे शिक्षण के लिए आई हूँ, मेरा काम पढ़ाई करवाना है, मेरा काम इंफ्रास्ट्रक्चर देखना नहीं है। वहाँ की जो डायरेक्टर थी स्कूल की एक लेडी है, उन्होंने उनसे सिर्फ यही काम करवाया, बोतल की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए, बैग में ये पैच होना चाहिए, बोर्ड बाहर से ऐसा होना चाहिए, सिर्फ दिखावे की दुनिया है। मिला की समस्याओं की कोई कमी नहीं। आपका अगला कदम क्या होगा मीरा भाईंदर में डोनेशन मुक्त माहौल बनाने के लिए, क्या करेंगे आप लोग? देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी में डोनेशन इलीगल है, कानून हमारा कहता है, लेकिन बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो हम लोग दोबारा वही करते हैं। मैं मानता हूँ डोनेशन लेने वाले से ज़्यादा गुनहगार डोनेशन देने वाला है। जब आप डोनेशन दोगे नहीं, उनकी मनमानी चलने दोगे नहीं, तो उनको आपके बच्चों को लेना ही पड़ेगा कि स्कूल खाली नहीं रख सकते। जैसे मैंने पहले भी एक मिसाल दी थी, थिएटर में एक आदमी टिकट ब्लैक करता है, जब हम टिकट खरीदेंगे तो वो और करेगा, जब हम खरीदेंगे नहीं तो कागज़ के टुकड़े उसके लिए वो फाड़ के फेंक देगा। क्या हम इतना भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते? थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा, थोड़ा लड़ना पड़ेगा। हम उनकी मनमानी को मानते हैं, ये सबसे बड़ा हमारा गुनाह है, और यहाँ पे गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन इसी देश का ऐसा कई उदाहरण है इस देश में कि गरीबों ने अपनी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश की है। अगर हम आज के प्रधानमंत्री की बात करें तो उनके बारे में कहा जाता है, सच्चाई हमें नहीं मालूम, कि वो चाय बेचते थे बचपन में, लेकिन आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। शाहरुख खान बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन उनको 20 रुपये बेंच पर सोने के देने पड़ते थे। सचिन तेंदुलकर 8वीं क्लास में फेल हो गए थे क्योंकि उनके पास कुछ सुविधाएँ नहीं थी, लेकिन बाद में उनके जो सपने हैं उन्होंने पूरे किए और देश को बताया, दुनिया को बताया कि अगर हम अपनी सोच पर काबिज रहते हैं, कायम रहते हैं, तो सफलता कोई रोक नहीं सकता। और निश्चित रूप से मीरा भाईंदर की जो समस्या है, अगर यहाँ के लोग एकजुट होते हैं तो सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वाकई आम आदमी को सुविधाओं को किस तरह से दिया जाए। और चलते चलते गीता जी से जानना चाहेंगे कि अगला कदम क्या होगा। अब आप सब महिलाएं हैं, आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये रहेगा, मोदी जी तो आए हैं, मोदी जी ने बहुत से वादे किए लोगों को, अगर मोदी जी वादे नहीं करते तो अगला इलेक्शन में कोई वोट देने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर ये डोनेशन वगैरह नहीं रुकता है तो अगर लोग हमको साथ देते, पब्लिक साथ देते, तो हम लोग को स्कूल बंद करवाएंगे जहाँ डोनेशन लिया जाता है। तीसरी बात ये है कि हमारी महिलाओं की समस्या है, जो बच्चों की फीस बढ़ती जा रही है उसके ऊपर भी हम लोग महिलाएं भी आवाज़ उठाएंगे, और जो लोग डोनेशन लेते हैं, जो स्कूलें लेते हैं, वहाँ पर आंदोलन करके जो डोनेशन लेने वालों को अंदर करवाएंगे और स्कूल बंद करवाएंगे, यही हमारा अगला कदम रहेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं से बदलना होगा हमें अपने आप को, अपनी सोच को, तभी हम कह सकते हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आगे बढ़ना होगा और हमें आपस में मिलकर लड़ना होगा ताकि ये जो कलंक है समाज का डोनेशन नाम का, उससे हमें निजात मिल सके। आपके आसपास भी कोई समस्या है जिससे आप निजात पाना चाहते हैं तो हमारे टीवी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फ़ोन कीजिए, हम पहुंचेंगे आप तक और बनेंगे आपकी आवाज़। आज हमारे इस सफ़र में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। तब तक हमारे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।